गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल अभी ब्लॉग। तो आज अपनी पोलो में थोड़ा कुछ काम है। काम ये है कि इसका मीटर पे ABS का लाइट आ रहा है और मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया इस पर, तो मालूम चला कि इसका जो यहाँ पे इसका ABS मॉड्यूल यहाँ पे रहता है, तो चूहे हुए बहुत बार ऐसे होते हैं कि काट देते हैं उसको। तो मैंने चेक किया है तो वहाँ पे से ये निकला और वहाँ पे कुछ है छोटा मोटा, तो देखते हैं। तो उसके लिए पहले अभी एक सेकेंड, उसके लिए भी पूरे अभी मेरे को पूरा जो है कि जो इसका सेंटर कंसोल है, मतलब ये सब जो भी है, तो ये सब मेरे को खोलना पड़ेगा। और ये इतना इजी तो है नहीं। इजी क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो सीट है ना, सीट कवर, ये इसको काफ़ी मतलब दिक्कत देता है इसको खोलने के लिए। तो ट्राई करते हैं, अगर मेरे सब काम बनता है तो ओके, नहीं तो फिर मैकेनिक। तो इसका जो ABS जो मॉड्यूल रहता है वो ये है, ठीक है। आपको पूरा डैशबोर्ड खोलने का जरूरत भी नहीं है, साइड से भी देख सकते हो। तो ये इसका कपलर और इसका जो वायरिंग है वो अभी परफेक्ट है, कहीं से कोई चूहा हुआ काटा रहता नहीं है। इसमें चार तार थे, चारों चारों पूरे अपने अच्छे कंडीशन में है सब, तो इससे तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कन्फर्म है। अभी इसमें का एक वायर यहाँ से कटा हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये अब एक नहीं दो तीन कटे हुए हैं भाई। तो अभी इसको देखते हैं इसका क्या, ये एक पता नहीं क्या चीज़ का, ये मेरे को पता नहीं चल रहा। तो इसको देखते हैं, अगर ये कुछ ऐसा रहा तो इसको हम फिक्स करते हैं, नहीं तो फिर पैक करके इसको काम ख़त्म। इसमें एक और दिक्कत ये है कि जो बैक सेंसर आता है तो वो भी काम नहीं कर रहा। इसके पहले भी चूहा काट दिया था तो मैंने उस बार रिपेयर किया था, फिर अभी काम नहीं कर रहा, तो उसको भी देखते हैं। तो उसके लिए पहले ये सीट जो है ये पूरा फोल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद इधर उधर नहीं कहीं वो काट के, तो दिखाता हूँ आपको। तो यही वो छोटा सा स्पीकर बोल सकते हो आप, जो बिप का आवाज़ जैसे साउंड निकालता है। तो इसका वायरिंग तो यहाँ पर मेरे को सही लग रहा है। ये अभी मेन चेक करना है हमको, अगर ये सही है तो फिर यहाँ पे कहीं पे इसका कटिंग होगा पक्का, तो अभी वहाँ पे खोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो पुराने जो तार जुड़ा था मैं इसमें, इसको फिर से मैं बड़ी चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये दो जो तार है ना, ये दो जो तार आ रहे हैं उधर से एकदम सेम टू सेम कलर के हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जैसे आपको पता चल रहा है। और इस तरफ तो भाई वो पता नहीं चल रहा है, इस तरफ दोनों, बट कैमरे में पता चल जा रहा है यार। एक सेकंड, कैमरे की मदद से जोड़ने के लिए इसको, ये देखो ये जो दोनों तार है इसमें क्या पता चल रहा है। हाँ ये थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा मतलब ये इसमें जिसमें टेप लगा हुआ है वो थोड़ा लाइट में है। अच्छा ठीक है, इसमें देखते हैं थोड़ा। इसमें मेरे को ये वाला डार्क लग रहा है और वो वाला थोड़ा वाइट वाइट में लग रहा है मेरे को। क्या लगता है, कहीं इधर उधर जोड़ दिए तो बूम। ये भी सारा टेंशन है। ऐसे इसका सेंसर जब उसमें में लगाया था ना तो काम किया था थोड़ा दिन, उसके बाद फिर गायब हो गया। यहाँ पे चार सेंसर आते हैं, इसको तीन एक ये कोने पे चार। तो देखता हूँ, अगर मेरे से होता है तो मैं करता हूँ, नहीं होता है तो फिर कुछ नहीं कर सकता हूँ फिर मैं। ये बैक सेंसर का मॉड्यूल है, इसमें पानी जा चुका है, तो आई थिंक इसी की वजह से हो चुका है ख़राब। अभी देख लो पानी इसमें गया कहाँ से, तो ये है मेन प्रॉब्लम। देखते हैं इसको
अगर काम करता है तो उसे खाओगे तो देखते हैं। वो जो मॉड्यूल है वो तो फिक्स जो नहीं हो पाएगा, तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए कुछ नया मॉड्यूल लेके आना पड़ेगा या कुछ जोगाड़ करना पड़ेगा, तो उसको मैंने वहाँ पे फिक्स कर दिया वैसे ही। और ये वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। लिखो लाइफ लिखो टीम।